अगर आप देखें ओमेगा के जो फायर्स आने वाले एरिया खोल के, ये अच्छा खासा डैमेज रजिस्टर कर रहे हैं अपने। जो टीम धीरे धीरे रेवेनेंट के पास आती रहेगी, ऑस्टिन वोर्टेक्स के पास बिल्कुल आती रहेगी, तो कभी भी वो सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि एक बिट के खिलाड़ी ओमेगा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि उनका जो फोकस है कंप्लीटली गॉडलाइन। और ये देखिए यहाँ पर अब ऑस्टिन वोर्टेक्स की गन अब बोलना स्टार्ट करती है, वीरू को यहाँ पर स्टैंड लॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। ऊपर से एक चीज वेपन M249 ओमेगा को यहाँ पर नॉक आउट कर दिया जाएगा। क्या यहाँ पर अकेला खिलाड़ी एक 1v4 क्लच करके दिखा सकते हैं भाई, भी ख्याल से आपको deliver from his M249. Now it's to show the better पावर ऑफ M249, बट कहीं ना कहीं रैप करना उतना ज्यादा पसंद कर नहीं रहे हैं ऑस्टिनेक्स। अब फाइनली जब अक्षु इनके ऊपर अग्रेस करने के लिए जाने वाले हैं, तैनात हैं, प्रोंडा उन्हें अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाह रहे हैं। उधर बादशाह बैक टू बैक ग्रेनेड्स कर रहे हैं, वैक्सी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, डिजायर्ड 125 स्मोक का घोड़ा बना रखा है, अरे फिस्ट कर जाने की कोशिश, बट यहां पर अभी के लिए M249 के चलते अक्षु भी डाउन कर दिया। बट अक्षत को जो रिवाइवल दिया था वो काम में आया, टॉप 4 के अंदर अपनी जगह, टीम 8 बिट के नाम गॉडलाइक के प्लेयर्स यहां पर अभी के लिए चारों प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। बट ईस्पोर्ट्स एम्पायर की टीम भी मिड रेंज में काफी परेशान करती हुई दिख रही है गेम जो। बट तारीफ करना चाहूंगा ऊपर रेमिनेंट ऑस्टिन की कि उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को पहले तो टॉप 5 तक पहुंचाया और कुछ अंक भी अर्जित करे फिनिश पॉइंट के भी, और 6 अंक तो वो लेके गए यहाँ पर नो डाउट उस प्लेसमेंट पॉइंट के। बट ऑलमोस्ट 1v4 का क्लच आने ही वाला था, क्योंकि अगर आप देखिए जो फाइट चल रही थी वो बिटवीन #1 और #2, बट यहाँ पर रेमिनेंट बोलते हैं हम भी #3 है, टॉप 3 टीम है, तो हम भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लेंगे एंड डिस्टर्ब करते नजर आए। अदरवाइज टीम 8 बिट काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर चल रही थी। अभी तक अगर देखा जाए 9 फिनिश निकाल चुकी है, 4 टीम्स आपके स्क्रीन के सामने, और इस रॉक का भी यहाँ पर समाप्ति होती हुई। एंड अक्षर मुझे लग रहा है कि शायद अपनी लोकेशन बता चुके हैं, स्पॉट आउट करा चुके हैं। कहीं ना कहीं जो काम रेवेनेंट के ऑस्टिन ने किया था, कहीं अक्षत भी वो रोल करने की कोशिश में शामिल है, स्पॉट करा फाइनली। और अक्षत के अगर आप स्प्रेस देखें तो काफी ज्यादा एक्यूरेट जाते हुए दिख रहे हैं। बट गॉडलाइक की टीम यहां पर पहले ही मैच से अपनी डोमिनेशन दिखाती हुई, बताती हुई कि कल हम #2 पर खत्म जरूर से किए थे, बट कल का जो फ्लो, जिस फ्लो के साथ हमने day 4 एंड किया था, day 5 हम उसी पावर उसी फ्लो के साथ शुरू करने वाले हैं, और ये टूर्नामेंट जीतने की एक प्रबल दावेदारी जो